तो मैं पूरी पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे लगा दूंगा आपका, ऑन एन एवरेज 1.5 घंटा जाएगा 1.5 स्पीड करके, आप ये सारी प्लेलिस्ट देख लो। उस प्लेलिस्ट के अलावा तो एग्जाम में ही कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यार, है ना। मतलब मैं इतना श्योर हूँ उस चीज पे, बिकॉज मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है, उसके क्वेश्चंस भी वहाँ पे दे दिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको उसमें से समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो अपने फ्रेंड्स को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस। अकेले अकेले भला करके किसका भला होना है ना, तो थोड़ा दो जनों को बताओ और उन दो जनों को बोलो आगे दो जनों को बताएं। नहीं, जस्ट ट्राई टू शेयर द वीडियोस एज मच एज यू कैन। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल व्हिच इज कॉमर्स बाय रोहित भैया। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ टॉपिक्स जो तुम्हारे अपकमिंग फर्स्ट टर्म इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले तो ये मुझे थोड़ा एक्सीडेंट हो गया आज, तो थोड़ा लगा हुआ है, तो मैं ज्यादा लिख तो कुछ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ एंड आई विल प्रेजेंट एवरीथिंग ओवर हियर। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं, ठीक है। मोस्टली सारे स्कूल्स में जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें से यूनिट नंबर 1, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 5, यानी स्टैटिस्टिक्स का थ्योरी एंड उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी, ये और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका यूनिट नंबर 1 एंड 2 आता है, ठीक है। मोस्टली सारे स्कूल्स में फर्स्ट टर्म सिलेबस यही रहता है। तो मैं इसी सिलेबस में से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये टॉपिक्स मोस्टली मैं ऐसा बोलूँ तो 80-85% कवर करेंगे तुम्हारे एग्जाम का, तो इनमें से कुछ छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स से बहुत सारे वीडियोस नहीं बनाए, एक्चुअली बनाए ही नहीं है स्टैटिस्टिक्स के वीडियोस, तो आई विल मेक श्योर कि जब तक तुम्हारा हाफ ईयरली हो ना तब तक सारी की सारी प्लेलिस्ट तुम्हें यहाँ मिल जाएगी। अभी तुम्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो सब कुछ मिल जाएगा, स्टैटिस्टिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मेरी वीडियोस नहीं है उसके लिए, तो आप थोड़ा सा देख लें, दूसरे यूट्यूबर्स भी बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको कसम है मेरे ही वीडियोस से देखना, उन सबका लिंक मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्टैटिस्टिक्स के हैं। तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले आता है स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नहीं छोड़ने का है। स्टैटिस्टिक्स की कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो किसी ने दी हैं, वेल्थ, वेलफेयर, आपका ग्रोथ, स्कैसिटी, ऐसे करके चार तरीके की डेफिनेशंस हैं जो मार्शल रॉबिन्स इन सब ने दी हैं। तो इसमें से ये सारी डेफिनेशंस जो हैं आपको वो देखनी है। ग्रोथ डेफिनेशन ना भी देखो तो चलेगा, पर बाकी तीन डेफिनेशंस आप अच्छी तरह याद करके जाना, ठीक है। ये था स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में एक लास्ट चीज बचती है, और ये वाली चीज चैप्टर नंबर 1 इन स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर 1 इन माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में आती है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। वो है स्कैसिटी, चॉइस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का रिलेशन, ठीक है। स्कैसिटी की वजह से हम लोग चॉइस करते हैं, चॉइस का रीजन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रीजन होते हैं चॉइस का तब जब माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से अपने को लिखना है। स्कैसिटी के हिसाब से हम चॉइस तब करते हैं जब हमको स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से लिखना है। ये मैंने बहुत अच्छी तरह वीडियोस में समझाया है, उन वीडियोस का लिंक मैंने यहाँ पे नीचे ऑलरेडी दे दिया है, तो वहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं आई होप मैंने बहुत अच्छी तरह वहां पे समझाया। तो यहाँ पे कैसे ये टॉपिक को लिखना है, लेकिन वो तो तुम्हें समझ में वीडियोस देख के आ जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। स्कैसिटी, चॉइस एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसे दे गो टुगेदर, ये सारी चीजें, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये था चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ पे आ जाता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स वैसे बहुत सारी जगहों पे दिया हुआ है, अगर आप इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स याद कर लेते हो तो दैट इज इनफ। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये आप याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद इसी चैप्टर में आता है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बहुत छोटा सा स्टैटिस्टिक्स का ये टॉपिक है कि हम स्टैटिस्टिक्स पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मिसयूज हो जाता है या फिर लोग उसको सही तरह इंटरप्रेट नहीं करते, यही है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये भी आपका एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये था चैप्टर नंबर 2 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद अपन आ जाते हैं सेंट्रल टेंडेंसी पे। तो सेंट्रल टेंडेंसी पे सबसे पहले मीन आता है, और बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ वहां पे है तो वह है मीन का स्टेप डेविएशन मेथड, मीन का स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो मीन के स्टेप डेविएशन मेथड को आप कर लो कंटिन्यूअस सीरीज में, मीन स्टेप डेविएशन मेथड कंटिन्यूअस सीरीज। उसके बाद आता है मीडियन, मीडियन में आपको क्या करना है, मीडियन भी आपको कंटिन्यूअस सीरीज में करना है और डिस्क्रीट सीरीज में भी करना है। और मीडियन में देखो बेटा क्वार्टाइल्स भी आते हैं एग्जाम में, तो एक्चुअली क्वार्टाइल्स और मीडियन बहुत ज्यादा अलग नहीं है। मीडियन इज समथिंग एन बाय 2 एंड क्वार्टाइल इज एन बाय 4, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप आराम से फॉर्मूले देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप मीडियन, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में आप देख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो, उसका जो फॉर्मूला है आप अच्छी तरह याद करके जाना, 100% वो एग्जाम में आने वाली चीज है। मीडियन में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लेस देन और मोर देन ओगिव के थ्रू मीडियन को निकालना।
तो ग्राफ ज्यादा तो इन सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं आते, लेकिन लेस देन और मोर देन ओके बनाने को आता है, मोस्टली आता है। तो अब लेस देन मोर देन ओके को मत छोड़ना, ठीक है, अब वो ग्राफ की प्रैक्टिस करके जाना। और जहां लेस देन और मोर देन ओगिव मिलते हैं वहां मीडियन भी निकल आता है, तो आपका ओगिव के साथ मीडियन की प्रैक्टिस भी हो ही जाएगी, है ना। तो अब वो चीज जरूर देखना, ठीक है। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन, लेस देन मोर देन ओगिव जो मैं बोल रहा हूँ ना, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन। इसके बाद लास्ट जो चीज आती है वो है मोड। मोड में क्या, मोड में ग्रुपिंग मेथड, मोड में ग्रुपिंग मेथड कंटिन्यूअस सीरीज में आएगा। तो ग्रुपिंग मेथड आपका इंपॉर्टेंट है। ग्रुप बनाने कब है, जब देखो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, या तो फिर आपकी कंटिन्यूअस सीरीज में बहुत पास की फ्रीक्वेंसीज दी हुई रहेंगी, फॉर एग्जाम्पल क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी आपको दी है 14, 15, 16, 18, 22, ये बहुत करीब की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली मॉडल क्लास नहीं निकाल सकते, इन दिस केस आपको ग्रुपिंग टेबल बनाना पड़ेगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हुआ ग्रुपिंग टेबल बनाना और फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा पास है, तो आप ग्रुपिंग टेबल फिर भी बनाओगे मोड के लिए, है ना। लेकिन मोस्टली एग्जाम्स में लिखा हुआ आता ही है सॉल्व थ्रू ग्रुपिंग मैथड, तो वहाँ पे आपको ग्रुपिंग मैथड करना है मोड का और आपको अपना आंसर निकालना है, ठीक है। ये भी कंटिन्यूअस सीरीज के लिए मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इतने से कुछ टॉपिक्स थे जो स्टैटिस्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से तो एटलीस्ट आप कुछ भी मत छोड़ के जाना, मैं आपको गारंटी देता हूँ 80-85% इसी में से ही आएगा। इसके अलावा थोड़ा सा कुछ आ गया तो वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली इसमें से ही आएगा। और एज यूजुअल कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आई एम अवेलेबल, बहुत सारे बच्चे वहाँ पूछते हैं। अभी मैं सिर्फ वॉइस मैसेजेस कर रहा हूँ, मेरे को हाथ में थोड़ा लगा हुआ है, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं आपकी सारी क्वेरीज वहाँ पे मैं सॉर्ट आउट कर दूँ। दूसरी बात, माइक्रो इकोनॉमिक्स पर अगर अपन आ जाए, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो मैंने वीडियोज बना रखे हैं और वीडियो के एंड में क्वेश्चंस भी हैं जो उसमें से इंपॉर्टेंट है। तो मैं पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे लगा दूंगा, आपका ऑन एन एवरेज 1-1.5 घंटा जाएगा 1.5 स्पीड करके, आप ये सारी प्लेलिस्ट देख लो। उस प्लेलिस्ट के अलावा तो एग्जाम में ही कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यार, है ना। मतलब मैं इतना श्योर हूँ उस चीज पे, बिकॉज मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है, उसके क्वेश्चंस भी वहाँ पे दे दिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा। ऑलराइट, तो मैं पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, लाइन से आप वीडियोज को देखते चले जाओ। और एक और रिक्वेस्ट है, ये सब अकेले मत करना। इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वे दोज वीडियोज आर, अगर आपको उसमें से समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो अपने फ्रेंड्स को, आई मीन शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोज। अकेले भला करके किसका भला होना है ना, तो थोड़ा दो जनों को बताओ और उन दो जनों को बोलो आगे दो जनों को बताएं। नहीं, जस्ट ट्राई टू शेयर द वीडियोज एज मच एज यू कैन, सो दैट दूसरों का भी भला हो। एंड दूसरा, आई प्रॉमिस यू कि अभी तुम्हारे जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं और अपकमिंग टर्म्स हैं, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारे के सारे वीडियोज पहले ही अपलोड कर दूं। ऐसे लास्ट टाइम पे कुछ ना करूं, आई ट्राई कि मैं सारे के सारे वीडियोज पहले ही अपलोड कर दूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बहुत अच्छी तरह फाड़ के आना भाई, ठीक है। और कोई भी डाउट्स है तो आई एम देयर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलते हैं अगली क्लास में।